इंदौर के सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित होकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। इंदौर के सेल्समैन पर लगाए राशन न बांटने के आरोपी। खबर जिला कलेक्टर से है, जहां ग्राम व पंचायत इंदौर के समस्त लोगों को कंट्रोल उचित मूल्य की दुकान से राशन संचालक द्वारा नहीं दिया। कुछ लोगों को जून माह में नहीं मिला, जबकि जून का राशन आदिवासी और हरिजन लोगों को ही मिला है और समस्त ग्रामवासियों को नहीं मिला। जुलाई और अगस्त माह का राशन समस्त ग्रामवासियों से किसी को भी राशन नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन आदिवासी बस्ती में घर घर जाकर मशीन पर अंगूठा लगवा रहा था, जबकि उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा। जब प्रतिनिधि रामसेवक परिहार मौके पर पहुंचे और देवेंद्र से कहा, इन लोगों के घर पर जाकर अंगूठा क्यों लगवा रहे हो और इनको राशन क्यों नहीं दे रहे हो, इसकी एक वीडियो भी है जिसमें सिर्फ अंगूठा लगवाता है, राशन नहीं देता। अपर कलेक्टर नीतू माथुर ने सभी को आश्वासन दिया है कि जांच कराकर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। रामदेवी जाटा इंदौर। क्या समस्या लेके आए हो? कि सर हमको ना राशन नहीं मिलता, 3 महीने से राशन नहीं मिला। जब भी जाते हैं कंट्रोल बंद मिलती है या खुली मिलती है तो बोल देता है फिराना अंगूठा लगवा लेते हैं, लेकिन राशन नहीं देते। आज हम सुबह भी गए 3-4 लोग, तो उसने ना गलत सलत बोला, गाली दी, जाओ कलेक्टर के पास जाओ। हमको वो नहीं चाहिए, हमको किसी और, आप रखो सरकारी रख दो, कोई भी रख दो, लेकिन वो नहीं चाहिए हमको। बस क्या नाम है उसका? नाम पता नहीं है मेरे को, देवेंद्र परियार। कब से संचालक है? अभी हुआ है, इसी महीने। आप बता रहे थे वहाँ पे कंट्रोल संचालक बदलता रहता है? हाँ बदलती रहते हैं। क्या कारण? अब क्या कारण है? यही कारण है, खापी जाते हैं, हम शिकायत करते हैं तो बदल जाते हैं। हाँ, ग्राम इंदौर के बहुत सारे ग्रामवासी आए थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि ग्राम में जो राशन उचित मूल्य का राशन है वो ठीक तरह से वितरण नहीं हो रहा। विगत जो भी सेल्समैन है उसने पिछले 2 माह से भी राशन का वितरण नहीं किया है, इस समस्या को वो लेकर आए थे। हमने GSO को बोला है कि वो जाके मौके पर जांच करें और देखें, अगर उसमें जो भी दोषी होगा तो कार्रवाई भी करेंगे और FIR भी कराएंगे। अगर उसने शासकीय उसका कुछ गबन किया है या फिर राशन लोगों को नहीं दिया है जो उनको मिलना चाहिए था, तो उसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगी।